हेलो दोस्तों, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है मेरी एक फैमिली मेम्बर जो है हमारा, वो हमारी कार जो कि हमारे दूर दूर तक सफ़र करवाती है, और वो एक हमारा एक अहम हिस्सा होती है जब हमें एक सफ़र करना होता है। तो इस वक्त मैं गया था शादी में देहरादून, और अप डाउन फिर शादी में कार काफ़ी गंदी हो गई है और उसको मैंने सर्विसिंग भी करानी थी। तो मैं आज उसको सर्विसिंग कराने वाला हूँ, और मेरी जो कार है वो फोर्ड इकोस्पोर्ट। फोर्ड कंपनी की कार मैंने क्यों ली, इसका रीजन मैं आपको अपनी वीडियो के एंड में बताता हूँ। और इससे पहले मैं सर्विसिंग कराता हूँ, उसके बाद मैं वॉशिंग कराऊंगा। कार काफ़ी गंदी हो चुकी है और मैंने अलाइनमेंट भी इसका चेक कराना है, क्योंकि अलाइनमेंट कब से मैंने चेक करवाया नहीं था। तो आइए चलते हैं, फोर्ड की कार की सर्विसिंग कैसी होती है और कई डाउट फोर्ड ऑनर के होते हैं और जो भी फोर्ड की कार चला रहे हैं। फोर्ड कंपनी जो है इंडिया को छोड़ के जा चुकी है, बट उसके बावजूद भी कई रीजन ऐसे हैं कि हम मैं फोर्ड की कार क्यों चला रहा हूँ। तो अगर आप फोर्ड के ऑनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, प्लीज वीडियो को जरूर देखें कि फोर्ड की कार की सर्विस कैसी है। तो आइए चलते हैं, वीडियो बने रहें, और एंड में बताऊँगा कि मैंने क्या रीज़न था कि ये फोर्ड की ही कार मैंने क्यों चूज की। और कारें थी और कंपनियाँ थी, और फिर मैंने फोर्ड की ही कार की। दोस्तों, मैं सर्विस करा के आ चुका हूँ। मैंने वीडियो के एंड में मैंने बोला था कि मैंने फोर्ड की कार ही क्यों चूज की। फोर्ड की कार चूज करने का मेरा एक रीज़न था। पहले तो फोर्ड की जो सर्विस है वो बहुत अच्छी है। इस वक्त फोर्ड इंडिया छोड़ के जा चुकी है। जो फोर्ड की ऑनर है वो काफ़ी दुखी हैं मुझे लगता है, बट मैं दुखी बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो इसलिए क्योंकि रीज़न ये है कि फोर्ड की जाने के बाद फोर्ड की सर्विस और ईजी हो गई है, क्योंकि जब ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं तो आपको सर्विस नहीं मिल पाती हैं। अभी 10 साल तक फोर्ड ने टाई अप किया है कि फोर्ड की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो सर्विस देगी। दूसरी बात, अब कम गाड़ियाँ हैं तो सर्विस बहुत अच्छी तरह से हो रही है। मेरे को लगभग 2-3 बार फ़ोन आ चुका है, क्योंकि मेरी सर्विस नहीं हुई थी, ड्यू थी, तो सर्विस के लिए फ़ोन आ रहा था। तो ऐसा तभी होता है जब आपके पास कार कम है तो फिर सर्विस कंपनी बार बार फ़ोन करती है। तो एक प्लस पॉइंट है कि कार कम होने हैं तो अच्छी सर्विस मिल रही है। दूसरी बात, मैंने फोर्ड की कार क्यों ली। फोर्ड की कार मैंने सब कारों की टेस्ट ड्राइव भी
विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन और महिंद्रा की 300 जो SUV है 300, बाकी मैंने उससे ऊपर नहीं गया क्योंकि क्रेटा वेटा मेरे बजट से बाहर थी। इको स्पोर्ट 6 ईयरबैग में मुझे मिली, 6 ईयरबैग, और टॉप अप ब्रांड जो है इसका पड़ा मुझे लगभग 12-13 उस रेंज में, मुझे और गाड़ियाँ नहीं मिल रही थी 6 ईयरबैग में विद सनरूफ। जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली, इसका सस्पेंशन मैंने चेक किया और ऑल ओवर मुझे लगा कि ये कार मेरे लिए परफेक्ट है। उस टाइम पे फोर्ड यहाँ पे थी और उस वक्त जब मैंने फोर्ड की कार ये इको स्पोर्ट चूज की तो मेरे को लगभग 6 महीना वेट करना पड़ा क्योंकि मेरे को कैनवन रिच चाहिए थी जो मेरी कार का कलर है, तो वो कलर काफ़ी कम मिल रहा था तो मेरे को 6 महीने वेट करना पड़ा। तो उस टाइम नहीं था कि यार फोर्ड जा सकती है। देखो कोई भी गाड़ी है या कोई कंपनी है बाहर की, कहना यहाँ पे पूरे अब इस तरह बात की जा सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एक चीज़ है कि फोर्ड की जो इको स्पोर्ट है अब नहीं तो बनेगी इंडिया में, ना तो आने वाली। अगर आप लेके आओ तो बाहर देश से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल मैं चला रहा हूँ, मैं इस गाड़ी को 3.5 साल हो गए हैं और मेरे को अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है। तो जितने भी फोर्ड के ऑनर हैं तो उन लोगों को हो रहा हो कि अपनी गाड़ी बेच दें, बाद में इसकी रिसेल वैल्यू नहीं मिलेगी। यार देखो गाड़ी मेरे ख्याल से रखो जब तक आपको चलानी है, आपको ये गाड़ी कभी कोई धोखा नहीं देने की। अब सर्विस की बात है, सर्विस अभी थोड़ा इजी है, बाद में पार्ट्स महंगे होंगे, कोई बात नहीं महंगे होंगे तो फिर जब खुली में सर डाल दिया तो फिर उसमें पछताना कुछ नहीं है, तो इतना नहीं घबराने का। तो जो भी घबरा रहे हैं सस्ते में सेल करते रहे अपनी गाड़ी को, उनके लिए मैं कहूँगा कि अभी अपनी गाड़ी को सेल ना करें, चलाइए। बहुत अच्छी गाड़ी है, परफॉर्मेंस अभी भी जो देखता है ना, जो बोलता है कि यार ये गाड़ी कंपनी चलेगी पर मुझे लेनी यही थी। कई लोग ऐसे हैं जो हमारी कार को देख के कहते हैं कि यार इसकी बिल्ड क्वालिटी थी बहुत अच्छी थी, अगर कंपनी नहीं गई होती तो हम इसे परचेज करते जो भी वगैरह वगैरह। बट अब मेरे इस कार के लिए भी कोई आया था बंदा कि अगर बेचना चाहते तो मैंने मना कर दिया क्योंकि मुझे तो भाई चलानी मेरी फर्स्ट कार है, मैं इसको रखूँगा और अगर ऐसा मुझे कभी लगेगा कि इसे मुझे निकालना है तो फिर मैं सोचूंगा इसके बारे में। तो अभी मेरा कोई ऐसा मूड है नहीं। मेरे इस वीडियो बनाने का एक मकसद था, जब मैंने कार निकाली उस वक्त मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था, तब मैं व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था। तो अभी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैंने कई देखा ना हेट मिलती है जैसे कंपनी चली जाती है तो कार को, भाई कंपनी गई है पर कार को हेट करने का कोई मतलब ही नहीं है, कार तो अपनी जैसी थी वैसी है। तो मेरे ख्याल से जो भी फोर्ड कार के ओनर है इतना ज़रूर सोचें कि यार आपकी ड्रीम कार है, आपकी फैमिली मेम्बर है, उसे उस तरीके से चलाए, ये नहीं कि यार निराश होकर यार कंपनी चलेगी है क्या होगा क्या नहीं होगा इस सब पचर में ना पड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।